मेरा तकरीबन 7-7:30 बजे के करीब में इस्तेमा नगर बड़ा कब्रिस्तान के पीछे एक ख्वातीन अपने ही घर के अंदर तरासन भर रही थी। शायद उसका दुपट्टा तरासन में लपटने की वजह से उसका इंतकाल हो गया। जगह पे जब उसके घर वालों ने उसको देखा और महल्ले वालों ने, तो उन लोगों ने उसको निकाल कर हॉस्पिटल लेकर गए, तो सिफा हॉस्पिटल लेकर गए। जिस वक्त सिफा हॉस्पिटल लेकर पहुँचे तो डॉक्टरों ने वहीं पर उसको देख कर बोला कि इसका इंतकाल हो गया है, अब इसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने सिविल के वहाँ से मुझे कॉल किया, हम लोग सिफा हॉस्पिटल गए। वहाँ से जाने के बाद एम्बुलेंस में डाल के हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लाया। यहाँ पर लाने के बाद पुलिस को बताया गया आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में। वहाँ से हमारे कोली दादा और भी कांस्टेबल ठाकुर दादा वगैरह आए, उन लोगों ने इनकेस पंचनामा वगैरह किया। अभी रात में तकरीबन 12-12:30 बजे के करीब में उनके घर वालों के ताबे में हम लोग कानूनी प्रोसीजर करने के बाद सभी सोशल वर्कर यहाँ पर मौजूद है। सभी सोशल वर्करों के साथ उन लोगों की मदद हम लोगों ने की और उनके घर वालों के ताबे में अभी डेड बॉडी एक आधे घंटे के अंदर निकाल कर देंगे और शायद अभी रात ही में उन लोग बड़े कब्रिस्तान के अंदर तदफीन करने वाले हैं। 1:30 बजे के करीब में तदफीन का वक्त रखा गया है, तो रात ही में वो लोग तदफीन करेंगे। हम लोगों की अपील ऐसी है, अभी जिया भाई ने भी एक सुझाव दिया है यहाँ पर खड़े रहकर, अच्छा सुझाव है इनका भी, कि ये मिलाकर तकरीबन साल भर में 7-8-9 केसेस होते हैं जिनकी हमारे पास वीडियो क्लिप या उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। जो हमारे शहर में हमारी माँ बहनें जो तरासन वगैरह भरने के लिए जाती है, तो उनकी ओढ़नी बाकायदा गले में रहती है या वो कमर पट्टा वगैरह बांध के वो तरासन भरते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि वो ओढ़नी बेल्ट के अंदर लटकने मतलब आ जाने के बाद वो उसको औरत को वो लोग खींच लेता है। तो हम लोगों का ऐसा मशवरा था आप लोगों से, मालेगांव शहर में जो हमारे बुनकर हजरात है उन लोगों से मशवरा था, जिया भाई ने भी अभी ये बात बोली कि अगर ऑटो कट जो रहता है, ऑटो सेंसर जिसको बोलते हैं ना, ऑटो कट अगर कि कोई अगर ऐसा मामला हो जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो अगर तरासन में ऐसा कोई ऑटो सिस्टम ऑटो सेंसर अगर लगा लें तो ये एक बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, किसी की जान जाने से वो बच जाएगा। ऐसा मालेगांव शहर में एक गरीब तबका है और अक्सर देखने में आता है कि गरीब चाहे लेडीज़ रहे या जेंट्स रहे, अक्सर तरासन रज और कारखाने पे यही लोग खड़े रहते। अब ये तो जान जा चुकी है, मगर इसका जो हरजाना जो बोलते हैं तो इसका किस तरीके से सेठ की तरफ से देना चाहिए। मामला दरअसल ऐसा था कि ये जो खातिन का इंतकाल हुआ है, इनका नाम सादिया इश्तियाक अहमद, उम्र इनकी 39 साल है और इनका खुद का कारखाना था, मतलब कारखाने में भी बहुत सारे लूम नहीं थे। मैंने इनसे मालूमात लिया तो 16 लूम उनके बताए गए, 16 लूम थे और घरी में तरासन था, ऊपर घर था और नीचे इनका पावर लूम चलता था जिसमें 16 लूम था, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन अगर मालेगांव शहर में ऐसे कोई हादसा होता है जैसे गरीब तबके की हमारी माँ बहनें अगर तरासन भरने जाती है या फिर उसके अलावा जो पावर लूम के अंदर अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, तो हमारे शहर के बुनकर हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल वर्करों के बोलने पे या लीडरों के बोलने पे उनके घर वालों को मुआवजा दे देते हैं। ऐसा तो अभी तक हम लोगों ने भी नहीं देखा कि किसी ने देने से इनकार किया हो। मालेगांव शहर के लोग इसमें आगे बढ़कर इन लोग मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट दराज पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।